ग्रीन दाने मूंगफली के दाने इनको अपन फ्राई करेंगे। दोस्तों आज बनाते हैं इंदौरी पोहा। इंदौरी पोहा बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में या कहीं पर भी पोहा लीजिए लंबा खड़ा वाला, उसमें पानी भर दीजिए। इसको एक या दो पानी से अब पोहा सूख के तैयार हो गया। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी शुगर एंड थोड़ा सी हल्दी मिला के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा तेल भी उसको गर्म होने के बाद उसमें राई हरी मिर्च एंड प्याज डाल दीजिए। उसमें सिंगदाने डाल दीजिए मूंगफली का, उनको भी अपन उसी में फ्राई कर लेंगे। प्याज बन के तैयार हो गई है, इसमें पोहा मिलाएंगे। अब जो मसाला था प्याज का उसमें पोहा को मिलाएंगे अच्छी तरह से स्लो आंच पे। पोहे को अच्छी तरह मिलाने के बाद उसमें गार्निश के लिए अपना हरा धना मिलाते हैं। गैस को बंद कर दीजिए। पोहा बन के तैयार हो गया लाजवाब ग्रीन हरा भरा पोहा। इसको इंदौरी पोहा देखिए बिल्कुल पोहा बनकर तैयार होगा। और उसके बाद पोहा इंदौरी पोहा और रतलामी सेव का संबंध तो ऐसा है जैसे जीरो और बन का है। और उसमें थोड़ा सा लेमन मिला दिए, नींबू बोलते हैं ना उन्हें, इसको इसको खाइए। लाजवाब।